अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज एक नई डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है शाही टुकड़ा, यानी कि स्वीट डिश। इसे शाही पीस भी कहते हैं और लखनऊ में तो ये हर ओकेज़न पे बनता ही बनता है। अमूमन शादियों पे या कोई भी ओकेज़न हो, ये बनना ही बनना है। आइए बनाते हैं इसे मेरे स्टाइल से, किस तरह एकदम परफेक्ट शाही टुकड़ा हम बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब पानी लिया है और आधा कटोरी के करीब हमने शक्कर ली है, जो मेजरमेंट करें तो 10 से 12 चम्मच के करीब शक्कर होगी। और 1/4 चम्मच के करीब मैंने फूड कलर लिया है, जो जर्दे का कलर होता है ऑरेंज, वो हमने इसे यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसे अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे ताकि वो अच्छे से घुल जाए और कोई लम्ब्स या गुठलियाँ जिसे बोलते हैं वो ना पड़े। और अच्छे से मिक्स करने के बाद एक उबाल ले लेंगे और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और इसे पकने देंगे। अब हम बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी के लिए मैंने 4 कप के करीब दूध लिया है। इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब हम शक्कर ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें दूध पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 चम्मच के करीब दूध पाउडर लिया है और इसे अच्छे से रबड़ी में मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे ना लगे। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो फिर जो है ये नीचे लगने लगेगा और अच्छे से मिक्स नहीं होगा और इसमें लम्स आ जाएंगे, गुठलियाँ आ जाएंगी। तो इस तरह से आप कंटिन्यू इसे चलाते रहिएगा, कम से कम 5 से 7 मिनट इसे लगेंगे चलाने में और आँच जो है वो फ्लेम हमारी जो है वो मीडियम रहेगी। तो इस तरह से मिक्स करते रहिएगा और आप देख सकते हैं दूध पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है और दूध भी हमारा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, साइड में लगने लगा है, इसका मतलब दूध भी गाढ़ा हो गया। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर यूं ही छोड़ देंगे जब तक हम आधा चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से ठंडे पानी में अच्छे से घोल लेंगे। आप इसे ठंडे पानी में ही घोलिएगा, गुनगुना पानी या गर्म पानी मत लीजिएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम एक साइड रख देंगे। अब हम आएंगे अपने दूध की तरफ। दूध आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया, अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जिसमें हमने बादाम और थोड़े से काजू, थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट है हमारे पास, यानी नारियल या नारियल का बूरा भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे मेवे हमने चॉप्ड करके रखे थे, अब हम दूध में वो मिला देंगे और इसे भी चलाते रहेंगे। उसके बाद जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी आपस में अच्छे से मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और कंटिन्यू चलाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। जब एक उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को फिर से स्लो कर देंगे और करीब करीब 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे हम पकाएंगे। धीरे धीरे दूध अपने आप गाढ़ा हो जाएगा और रबड़ी के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए इसे जो है धीमी आंच पर ही पकाएं, तेज़ आंच पे नहीं करें। आप देख सकते हैं साइड बाई साइड सारा दूध की जो बलाई है वो आकर लगने लगी है। इस तरह दूध समझ में आता है कि दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब देख सकते हैं धीरे धीरे कि दूध गाढ़ा हो गया है, रबड़ी बन गई है। बहुत ज़्यादा हम गाढ़ी नहीं करेंगे वरना ठंडे होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक उबाल और ले लिया है, उसके बाद फ्लेम को स्लो कर दिया है। बिल्कुल स्लो क्या किया है समझ लिया, अब बंद कर देंगे। बिल्कुल 2 मिनट बस स्लो पे रख के बंद कर देंगे और रबड़ी हमारी तैयार है। अब इसे हम ठंडा कर देंगे। यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब मैंने केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है जिससे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद मैंने ब्रेड लिया है, यहाँ 8 से 10 के करीब स्लाइस लिए हैं, मैंने इन्हें 20 से कट कर दिया है। और कट करने के बाद जब तक हमने दूध देखा है, दूध देखिए हमारा गाढ़ा हो गया, रबड़ी तैयार है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गरम गरम नहीं डालेंगे, हल्का ठंडा ही डालेंगे ब्रेड के ऊपर। तो इस तरह से रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। साइड बाई साइड जो बलाई है उसे भी छुड़ा लीजिएगा, दूध में मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, उसे हम गरम करेंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो वैसे बनाइए। उसके बाद एक एक पीस करके हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। इसमें मीडियम फ्लेम पे करिएगा, हाई फ्लेम मत करिएगा वरना ब्रेड एकदम से जल जाती है और क्रिस्पी नहीं होती है, इसमें क्रिस्पी होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है, बस आप इसी स्टेज पे इसे निकाल के सारे रख लीजिएगा। मैंने धीरे धीरे सारे कर लिए। उसके बाद एक एक करके हम रबड़ी में डिप करेंगे, इस तरह एक साइड करेंगे, उसके बाद पलट के दूसरी साइड भी इसे डिप कर देंगे और अच्छे से भीग जाने चाहिए। थोड़ा बहुत टूट भी जाएगा तो डरिएगा नहीं,
सॉफ्ट हो जाते हैं तो टूटे का डर होता है, मगर संभाल के करिए, आराम से हो जाएगा। इस तरह आप दूसरी तरफ पलट के धीरे धीरे सारे हम पीसेस को इस तरह असेंबल कर लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सी चाशनी एक स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा ऊपर से उगाड़ डाल देंगे, ताकि चाशनी अच्छे से ब्रेड पे जज्ब हो जाए और फ्लेवर और अच्छा है। उसके बाद जो हमने रबड़ी बनाई थी वो सारी हम स्प्रेड कर देंगे सारे ब्रेड के ऊपर, इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। आप इस तरह से सारी रबड़ी को ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कर दी। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से गार्निश के तौर पे कर रही हूँ, सिर्फ इससे लुक इन्हेंस होगा, इससे टेस्ट की कोई बात नहीं है, बस ऊपर से। बाकी हम तो अंदर डाल ही चुके हैं दूध में, इसलिए बस थोड़ा सा ऊपर से डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने एक चम्मच के करीब रूह अफ़ज़ा लिया था, जो अमूमन सभी के घर में आजकल रमज़ान में होगा, तो इसको हमने ऊपर डाल दिया बस लुक इन्हेंस करने के लिए। देखने में अच्छा लगता है, टेस्ट में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ऊपर से डाल दें और लीजिए तैयार है। आप इसको फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही लजीज लगेंगे। लीजिए तैयार है आपका शाही टुकड़ा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।